मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ अनूप सोनी जी हैं, हम उनका रुख करेंगे। जी, देश का जनादेश आ चुका है, झारखंड ने भी अपना मत जाहिर कर दिया है, लेकिन ये जनादेश किसी भी कुनबे को बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं कर पा रहा है। बहरहाल एनडीए ने बमुश्किल बहुमत का आंकड़ा छुआ है या यूं कहे कि पार किया है, लेकिन ये जनादेश झारखंड और देश की राजनीति के लिए क्या संकेत देता है, इस पर बातचीत करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप इंडिया गठबंधन के तले 3 सीट हासिल करने में, मतलब उसमें इजाफा करने में कामयाब हुए। पहले 2 सीटें थी, अब आप 5 सीटों के साथ कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए, और एकाध सीटें जो गई हैं वो लाख सवा लाख के अंतर पे गई हैं। इस जनादेश को किस तरीके से देखते हैं? जो भी जनादेश आया है, हम उस जनादेश का सम्मान करते हैं, और या देश में या प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन को जनता ने नकार किया है, विशेष करके जो भारतीय जनता पार्टी को नकार किया है, जो उनका पास जो सोच था और उस सोच के विपरीत में फोटाया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत तक नहीं पहुंच पाया। उसका भी कोई किसी से गठबंधन करके आगे बढ़ने का उनका सोच है, और इस प्रदेश में जो झारखंड पर जनता हमारा इंडिया गठबंधन को जो सम्मान दिया है जनता ने, उसको हमने सारा जनता को हम बधाई देते हैं कि आज जो विचार लेके हम लोग वोट विचार किया है और उस अनुसार हमको अच्छा प्रदर्शन का मौका मिला। एनडीए ने इंडिया से ये मैच झारखंड के पिच पर 9-5 से जीत तो लिया है, लेकिन सर सभी रिजर्व सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है, ये कितना बड़ा संकेत? ये रिजर्व सीट में हम लोग सभी जगह हम लोग जीत किया, और बाकी सीट में भी हम लोग बहुत अच्छा संघर्ष हुआ है, जैसे गिरिडीह बहुत अच्छा हम लोग का संघर्ष रहा है, बहुत सा ऐसा सीट है जो संघर्ष रहा है, इसीलिए इंडिया गठबंधन का पक्ष में जनता अच्छा सम्मान दिया है। गांधी उपचुनाव भी आपके खाते में चला गया, और ठीक है पहले 2-3 राउंड में कल्पना सोरेन जी पीछे चली, लेकिन अंततः जीत अच्छी जीत कही जाएगी विधानसभा उपचुनाव के लिए। ये एक जेएमएम के खाते में जुड़ता हुआ सीट दिखाई दे रहा है, इसके बाद क्या झारखंड की राजनीति में किसी तरह का प्रभाव देख पा रहे हैं? नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन में हमारा जो जनादेश संपर्क क्या बहुत अच्छा है, आगे दिन के लिए भी बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। दादा, एक सवाल आपसे देश के लेवल पे, ये है कि अब की बार 400 पार ये नारा दिया गया, लेकिन आंकड़े बीजेपी के लिए 240, 41, 42 बता रहे हैं और 290 के आसपास पूरे एनडीए का बता रहे हैं, भविष्य क्या देखते हैं? इसीलिए तो हमने जनता समझ लिया है, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिया है, आंकड़ा नहीं पहुंच पाया है, और उसी में देश का प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहा था, जनता उनका उस नारा का विपरीत में उनका जनता ने जवाब दे दिया कि आप सिर्फ नारा से नहीं चलेगा, काम से मुद्दा से चलता है, इसीलिए उसको बहुमत आंकड़ा तक नहीं पहुंचा, ये संकेत दे दिया देश की जनता। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को उतारा, गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री कई बार आए और भी कई केंद्रीय मंत्री आए, लेकिन इंडिया गठबंधन के तरफ से आपने मोर्चा, मुख्य रूप से आपने मोर्चा संभाला, आपको अपने आप पे कितना भरोसा था?
हमारा गठबंधन के ऊपर बहुत भरोसा था, हमारा गठबंधन का सभी दल सभी गठबंधन के साथी अपना अच्छा सहयोग किया है, अपना काम किया है, जनता के बीच जाने का काम किया है, इसीलिए प्रदेश में अच्छा हम लोग का प्रदर्शन रहा। ठीक है, बहुमत के आंकड़े तक इंडिया गठबंधन नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो क्या आप लोगों को उत्साहित कर रहे हैं? जो हमको जनता ने हमको आज जो सम्मान दिया है, जनादेश दिया है, वो हमको उसको सम्मान करते हैं। दिल्ली से कोई किसी मीटिंग के लिए आप कोई न्योता अभी तक नहीं आया है, लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ है, आज जो भी निर्णय होगा उनका साथ ही हम लोग आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो भारत की राजनीति के लिए बहुत बड़े संकेत दे रहा है, आने वाले दिनों में राजनीतिक बदलाव और भी देखने को मिल सकते हैं अगर जनता इसी तरह से इंडिया गठबंधन के मुद्दों को आत्मसात करती रहेगी तो आने वाले दिनों में परिणाम कुछ और भी विपरीत देखने को मिल सकता है एनडीए गठबंधन को। जी अनूप जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस नतीजे से खुश नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो नतीजा सामने आया है लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा कि जनता ने जो आदेश दिया है हम उसको सम्मान करते हैं, जो भी जनादेश आया है हम उसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।